आदमपुर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? आदमपुर आई है गाँव में, आदमपुर। हाँ आदमपुर है वहाँ कोने कोने बीमारी की दवाई आप बेचत हो? सर दर्द के लिए, पैर के लिए है, दर्द की तकलीफ है, बहुत चीजों के लिए है। मालिक चाहे तो वो, ना चाहे तो कुछ भी नहीं, और उनका कर्म हो जाए तो कतरा ही समंदर है। सही है। वैसे उम्र तो आपका बहुत हो गया है, एक्सपीरियंस भी बहुत होगा, इसके बारे में जानकारी भी बहुत होगा। सभी को तो मालिक जान सकता है, हम अपने मुंह से क्या कह सकते हैं। बहुत पूर्ण नौजवान है, 70 पहुंच गए। अच्छा, तो इसमें किसी जड़ी बारे में थोड़ा सा बताओगे, कौन सा जड़ी ये क्या है ये आपका? ये इसमें धमर बरुआ भी है, जो लकड़ियाँ आप उठाए हैं ये अश्वगंध है। अश्वगंध है ये जी। अच्छा अच्छा, और क्या बता रहे हैं? ये पतला वाला जो है वो धमर बरुआ है। धमर बरुआ है जी। और ये क्या है? ये पहला नंबर गुलाब का फूल, फिर हरा बहरा मरोर फली सनाय पत्ती। अच्छा अच्छा, ये वाली सनाय पत्ती है का जी? सनई नहीं सर, सनाय पत्ती। ये सनाय पत्ती ये कहाँ, यहाँ मिलता है? नहीं मिलता है यहाँ जी, पसारखाने में मिल सकता है। अच्छा अच्छा, पसारखाने में मिलेगा। और ये क्या है? ये जैतून का छाल है। ये जैतून का छाल छाल है, छाल है। वो दूसरा वाला चच्चा, एक चीज़ बताएं, ये भी कोई फल है कि क्या है ये? ये सब पहाड़ी इमली का बीज है। ये इमली का बीज है जी। है तो वैसे देखा तो देखा जाए तो मोटा पत्थर है, थोड़े से फर्क है। तो सब मिश्रण करके अलग अलग बनाते हैं आप? सब दवाई तो बनाया जाता है, कुछ दवाई हमारा कंपनी से भी आता है सहारनपुर से। अच्छा, कुछ दवा मंगाते हैं बाहर से? जी हाँ। तो बना बनाया रहता है का? हाँ, दवा बनवा कर भी मंगाते हैं हमारी कंपनी से भी आते हैं, कुछ मिक्स करते हैं, कुछ यहाँ भी हम जो ये चूरन वगैरह तो सब अपने हाथ से यहाँ तैयार करते हैं। अच्छा, ये चूरन वगैरह आप तैयार करते हैं? जी हाँ। और इसमें जो शीशी में पैक किया है ये आप ही का बनाया हुआ है कि? जी नहीं, वहीं से आता है। अच्छा, अलग से मंगाते हैं इसको? हाँ। आप लोग दर्शक हैं या कस्टमर हैं? देख के लेंगे यहाँ, देखा जाएगा, उसके बाद में पूछा जाएगा चाचा से, फिर खरीदा जाएगा ना। अच्छा, देखो बाबू जैसे रोजी चले के ऊपर है। नहीं, पहली बार इस मार्केट में आया हो या और पहले भी? पहला मरतबा में आया हूँ। पहले मरतबा इस बाजार में आए हो, इससे पहले नहीं आए यहाँ? नहीं सर। किस साइड में इससे पहले लगाते थे आप? हाँ वहाँ तो लगाते हैं। कहाँ? वही गोंडा में या? नहीं यहाँ रगड़गंज, ये अठैसा थाना पे लगता है, उमरी में लगता है। अच्छा अच्छा, यानी वहाँ फिक्स जगह है आपका, वहाँ बराबर लगाते हैं। यहाँ पहली बार आए हो? यहाँ पहली बार आए हैं। अच्छा अच्छा, तो कुछ बिक्री बट्टा हुआ अभी? नहीं, भोरी बट्टा जरूर हुआ है सर, ऐसी बात नहीं। हाँ, कौन कौन सा बीमारी आप बता रहे हैं ठीक कर सकते हैं? दर्द बयार, साटका, अल्कुल निशा, गैस्ट्रिक, पथरी, बागूला, बवासीर, धात कमजोरी, हाँ, खुजली, खर्रा, कान बहने के लिए, हाँ हाँ, ये सब हमारे पास है। अच्छा अच्छा, अरे जो तक आयुर्वेदी में है वो तक जो है इंग्लिश में थोड़ी है, ये सब आयुर्वेदिक और इनका अगर फायदा ना तो ये तो कोई नुकसान करेगा। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? हाँ, से दवा इस्तेमाल करेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा? अगर कोई नुकसान नहीं करेगा सर, जड़ी बूटी कभी कोई चीज़ से टच हो ही नहीं सकता। हाँ यही दवा खा लो तो बहुनान खुणारे मार्ग पर खुणारे बाजार के अंतर्गत समय जड़ी बूटी की दुकान लगाए हुए हैं, और इनसे हम जानकारी कर रहे थे किस किस मर्ज का ये दवा देते हैं। हालांकि ये तो बता रहे हैं बहुत से मर्ज के बारे में, और बुज़ुर्ग भी हैं ये, इनका एक्सपीरियंस भी आप देखें, एक्सपीरियंस होगा बढ़िया। जड़ी बूटी यहाँ बेच रहे हैं मार्केट में। कहाँ? रगड़गंज के रहने वाले हैं? रगड़गंज से 6 किलोमीटर, आदमपुर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ताज मोहम्मद है। ताज मोहम्मद बैद के नाम से प्रसिद्ध हो या ताज मोहम्मद के नाम से? जी बैद, बैद मुझे लोग कहते हैं, मास्टर भी कहते हैं, कई एक नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ।
अच्छा कई एक नाम से हाँ। ये खानदानी बिजनेस आपका है कि आप अपने से? अच्छा अच्छा हाँ मैं लोकल आदमी नहीं हूँ। मैं अच्छा एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट वगैरह रखे हो का? नंबर वन काम करता हूँ, दो नंबर का काम नहीं है मेरे पास। अच्छा। आगे भगवान की मर्जी। देखें जरा आपका सर्टिफिकेट देखें तो कैसे वकील साहब देखिए थोड़ा सा रजिस्टर्ड है आप हैं? रजिस्टर्ड है अब फिर 150 में कौन सी हम राज रियासत ले रहे हैं? अब भगवान की माया हो जाए तो जो पैसा बहुत है सब। तो ये तो आपके एक्सपायर डेट का सर्टिफिकेट है या आपका? आज पहले का है, इस वक्त का भी नहीं आया है। हाँ हाँ